नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ सूर्य चौहान। प्रभु राम के 500 वर्षों का वनवास अब खत्म होने को है और प्रभु राम की मूर्ति को आज गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा और उस ऐतिहासिक पल को लेकर पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। राघुनाथ के आने से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। अयोध्या से लेकर समूचे देश में राममय माहौल है और हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खास प्रोग्राम रघुनाथ पर संवाद। अयोध्या राममयी हो चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में 500 साल पुराना सपना आज साकार हो रहा है। गुरुवार को शुभ मुहूर्त में रामलला के विग्रह को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है और इसके बाद 24 अलग अलग पद्धतियों से पूजन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सभी 131 वैदिक दोपहर 12 बजे से राम जन्मभूमि गर्भगृह पहुंचे और इसके बाद रामलला के विग्रह को गर्भगृह में स्थापित किया गया। बता दें कि गुरुवार को करीब 1:20 पर संकल्प हुआ और इसके बाद गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त और पुण्याह वाचन, मृतिका पूजन, वसुधरा पूजन और सप्त धृता मातृका पूजन, आयुष मंत्र जप, नांदीय श्राद्ध और आचार्य धीय ऋष, ये जो अनुष्ठान है उनकी शुरुआत हो चुकी है और मधुपर का पूजन, मंडप प्रवेश के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का पूजन चल रहा है और इससे पूरा होने के बाद सायंकालिक पूजन एवं आरती होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रमों के अनुसार अगर बात की जाए तो कल 19 जनवरी 2024 को औषधाधिवास और केसराधिवास, धृताधिवास और धान्याधिवास का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद ही 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास का आयोजन होगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के एक दिवस पहले 21 जनवरी को मध्याधिवास और शय्याधिवास का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ योग है और इसका पूरी दुनिया को इंतजार है। तीर्थ क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा और प्रभु राम की मूर्ति को आज गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। इंतजार है तो बस अब रघुराई की मूर्ति में प्राणों को प्रतिष्ठित करने का। रघुनाथ के संवाद में आज बात होगी, आ गए रघुनंदन अब आने हैं प्राण, अयोध्या तैयार, खत्म हो रहा इंतजार। तो इंतजार अब खत्म होने वाला है और इसको लेकर वाकई देखा जाए तो पूरी तरह स्वागत की तैयारियां, अभिनंदन की तैयारियां और उत्सुकता चरम पर श्रद्धालुओं की लगातार। अब बस इंतजार, वो भी एक छोटा इंतजार नहीं, एक बड़ा, 500 वर्षों से ज्यादा का इंतजार अब खत्म होने वाला है और ये इंतजार की जो घड़ी है जैसे जैसे खत्म होती नजर आ रही है वैसे वैसे राम भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो आस्था में पूरी तरीके से समा चुके हैं उनका इंतजार यानी कि और बढ़ता जा रहा है कि अब वो घड़ी कितनी जल्दी आए और हम उस घड़ी के साक्षी बने यानी कि प्राण प्रतिष्ठा। 4 दिन शेष बचे हैं और अनुष्ठान का 3रा दिन है। आज गर्भगृह में विराजमान हो गए, बस अब प्राण आने बाकी है और अनुष्ठान यानी कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना लगातार की जा रही है और उत्साह भी यानी कि हर घर में उत्सव की तैयारियां चरम पर हैं क्योंकि ये छोटा मोटा इंतजार नहीं है, लंबे वर्षों का इंतजार और इस पल के लिए ना जाने क्या क्या, कौन सा कालखंड अगर जिक्र किया जाए, न जाने कितने कालखंड बीत गए और उन कालखंडों में न जाने कितनी यात्राएं, शोभा यात्राएं और देखा जाए रक्त रंजित हुई अयोध्या की धरा, जिस तरीके से तमाम ऐसी घटनाएं हुई और इतनी घटनाओं के बाद जब ये इंतज़ार अब खत्म होता नज़र आ रहा है तो ये लाजमी हो जाता है कि उत्साह
चरम पर हो और इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाए, और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रघुनाथ पर संवाद करेंगे। आपका परिचय करा देते हैं। धर्माचार्य आशुतोष महाराज जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। श्याम सुंदर जी धर्माचार्य जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण मोहन मिश्रा समाजसेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आरपी सिंह संवाददाता हमारे लगातार अपडेट साझा कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं, और कुछ देर बाद और भी सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे जानकारी जुटाएंगे। आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं, अयोध्या में मौजूद हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे देखा जाए तो जो उत्साह है वो भी चरम पर, और कहा जा रहा है कि गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और अब प्राण आने बाकी है, तो उत्सुकता जाहिर सी बात है चरम पर होगी। आरपी सिंह जी, आपको बताना चाहेंगे, केनु दर्शन को बताना चाहेंगे, राम राज बैठे त्रिलोका, तीनों लोगों के मालिक जिसको कहा जाए, भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और हर्षित भय भक्तों का वो रामनगरी अयोध्या जो है इस समय पूरी प्रफुल्लित नजर आ रही है। रामनगरी अयोध्या का जितना वर्णन किया जाए उतने कम है, इसमें पूरा विश्व जो है प्रफुल्लित है, क्योंकि भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हो गए हैं। यहाँ हर आदमी जो है कोई गाना गा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई रामधुन में अपने आप मस्त है, कोई गाना यहाँ पे भंडारे का आयोजन कर रहा है, कोई जो है दीप जला रहा है, और जो है यहाँ के जितने अयोध्या का पूरे भारत के वासियों से मैं भी आज आगाज करता हूँ कि आप घर में दीप जलाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हो गए हैं। जी बिल्कुल, आरपी सिंह ये भी जानेंगे, क्योंकि दूर दराज से कोई साइकिल से पहुंच रहा है, कोई दौड़ते हुए पहुंच रहा है राम मंदिर, कोई स्केटिंग करते हुए पहुंच रहा है, तो कोई किसी तरह, मतलब तरीके अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है, मंजिल एक ही है। और यहां पर ऐसे भी दृश्य नजर आ रहे हैं, अयोध्या वासियों की उत्सुकता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि उनको भी अगर अयोध्या वासियों का खास तौर पर जिक्र करें, क्योंकि जहां पहुंचने के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं वहां पर वो खुद रह रहे हैं, तो उत्सुकता डबल हो जाती है। जी आपको बताने जाए, अयोध्या वासी तो बहुत प्रफुल्लित है, क्योंकि वो पल पल का इंतजार कर रहे थे, आज पांच को बरसों से इंतजार कर रहे थे उनका, रही बात बाहर के, तो जिसके कण में भगवान राम व्याप्त हो जाए उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी जो है इतनी कण में भगवान राम व्याप्त है, चाहे साइकिल से आए चाहे जिससे आए, तो कहेंगे रामनगरी अयोध्या को इस समय जो है पूरा एक ही जोश है, कब भगवान राम का भव्य दिव्य गाना हो, उसमें साक्षी बनेंगे, रामनगरी अयोध्या पहुंचे और अपने जीवन को धन्य बनाए, वो हमारे साथ और भी धर्माचार्य मौजूद हैं, रुक कर लेते हैं धर्माचार्य आशुतोष महाराज जी का। आशुतोष महाराज जी, कैसा लग रहा है, क्योंकि अब कुछ दिन यानी कि चार दिन शेष बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं और एक लंबा इंतजार जो है अब वो खत्म होने को है, मतलब गर्भ गृह में विराजमान हो गए और अब प्राण आने बाकी है। देखिए, ये हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। बहुत न जाने कितने वर्षों से अभिलाषा थी, बहुत सारे भक्तों की अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन हम सबका बहुत ही परम सौभाग्य है कि अपने समक्ष में राम जी को आते हुए देख रहे हैं, राम जी को मंदिर में जाते हुए देख रहे हैं। ये सनातन धर्मावलंबियों का ये परम सौभाग्य है, इसलिए आए हैं अवध में राम मंगल गावोरी, आए हैं अवध में राम मंगल गावोरी, दे दो ये सबको पैगाम मंगल गावोरी, आए हैं अवध में राम मंगल गावोरी, तो आए हैं अवध में राम मंगल गावोरी, यानी सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो आज जगह जगह पर राम के स्वागत के लिए खड़े हैं। और मैं कहूंगा जो राम के स्वागत के लिए नहीं खड़ा है उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि राम के स्वागत के लिए राम की ही शरण में आराम मिलता है, क्योंकि पूज्य पाद राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे, आराम की तलप है तो बस एक काम कर,
आराम की तलप है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। अगर राम की शरण में आ जाओगे, जो इस समय निमंत्रण पा करके भी नहीं आ रहे उनका बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सनातन धर्म जो है राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम राज्य की तरफ अग्रसर होते हुए हम देख पा रहे हैं। ये हम सनातन धर्मावलंबियों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारी एक इच्छा है, मंदिरों में भीड़ सड़कों पर सैलाब देखना है, मंदिरों में भीड़ सड़कों पर सैलाब देखना है। और राम राज्य होते हुए हमें भारत में राम राज्य देखना है। क्या इसलिए बात है? उसी राम राज्य की देखा जाए कल्पना लिए सभी बैठे हैं। राम राज्य स्थापित होगा और धर्माचार्यों का भी ये मानना है कि शुरुआत आगाज हो चुका है। हमारे साथ श्याम सुंदर जी धर्माचार्य भी जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर दास जी, क्या लगता है, कुछ असंभव सा था जो अब संभव होने जा रहा है? असंभव तो नहीं था, असंभव बना दिया गया था। यह राम का देश है, यह सनातन धर्मावलंबियों का देश है, जहां पर अरबों की संख्या में यहां पर हिंदू रहा करते हैं, और हिंदू ही नहीं मुसलमानों के दिल में भी राम जी बसते हैं। जैसे रसखान हुए, ऐसे कई बड़े बड़े भगवान श्री राम के भक्त हुए, तो असंभव तो नहीं था, असंभव बनाया गया था। फिर भी आज 500 वर्षों के इंतजार के बाद, हमारे कई पीढ़ियों ने बड़ा इंतजार किया और वो लोग देख नहीं पाए, यह राम मंदिर में राम जी को प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देख नहीं पाए। हम सभी लोगों का कितना सौभाग्य है आज कि हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या में जो उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम वन से आए थे और अयोध्या को सजा दिया गया था, और पूरे अयोध्या वासी, कहीं कीर्तन चल रहा था, कहीं भजन, कहीं नृत्य, कहीं गान, वह सारे दृश्य आज हम सभी लोगों को दिखाई दे रहा है अवध की धरती पर। और अब आपको एक बात और बताएं, यह अवध की धरती पूरे विश्व की कभी राजधानी रहा करती थी और विश्व गुरु था हमारा यह भारतवर्ष। आज वही स्थिति बन रहा है, यह नींव है। जैसे ही भगवान श्री राम अयोध्या में गर्भगृह में पधारेंगे और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा उनका होगा मूर्ति का, उस दिन से यह समझिए कि हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का नींव डल चुका होगा, और उसी दिन से यह राम राज्य का आगे कार्यक्रम चलेगा। तो आज सौभाग्य हम सभी लोगों का, हमारा, आपका और पूरे सनातन धर्मावलंबियों का यह सौभाग्य है, यह दृश्य हमको आपको देखने को मिल रहा है। अब यह जीवन रहे या न रहे कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने आंखों से, हम ही नहीं सभी सनातन धर्मावलंबी आज इस दृश्य का दर्शन कर पा रहे हैं और इस महा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको न्योता मिलने के बाद भी वह यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, आने की इच्छा तो रखते हैं। आपको एक बात बताऊं, भारत के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ आने की इच्छा न रखे, लेकिन तुच्छ राजनीतिकरण के कारण उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है राजनीति को लेकर के, इसलिए वह नहीं आ पा रहे हैं। अंदर से मन है, लेकिन ऊपर से समाज को यह राजनीतिक दिखावा करने के लिए कि कुछ ऐसे लोग अप्रसन्न न हो जाए, इसलिए गलत बयानबाजी करके और नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका दुर्भाग्य है, और प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है तभी यहाँ नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और आवे भी कैसे? ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि राम जैसे बुलाएंगे वही वहां पर पहुंच पाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और तमाम राम के नाम पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति, राजनीतिक पहलू को छोड़कर अभी बात करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो इस पल का साक्षी बनने के लिए बहुत
बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मुझे लगता है वो बहुत जल्द वो इंतजार खत्म होने वाला है और जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है वो भी इस पल का साक्षी बनेंगे। कहते हैं अपने यहाँ तो अभिवादन भी होता है तो बोलते हैं राम राम, अगर अचरज हुआ तो कहते हैं हाय राम। राम से ही शुरुआत है और राम से ही अंत है, कल्चर ही कुछ ऐसा है। और आज कहते हैं ना लास्ट में जब ले जाते हैं तो राम नाम सत्य करते हैं, तो इस तरीके से राम से ही शुरू और राम से ही अंत होता है। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब जो एक इंतजार था वो खत्म होने को है। आज गर्भ गृह में विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है, यानी कि प्राण आने बाकी है। इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम हमारे पूरे देश में कितनी सुख की घड़ी आई है, लेकिन खाली एक ही सबके जवान पर आता है कि जिनको नोटा मिला वो नहीं आ रहे। ये बातें क्यों चल रही है समझ में नहीं आता है। अरे नोटा तो हमको भी नहीं मिला सिक्योरिटी रीजन से, तो मैं तो ऐसा नहीं बहुत सोच रहा हूँ, भगवान की कृपा होगी तो आएंगे। ठीक है आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबके लिए मंदिर खुल रहा है, सब दर्शन कर लेंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स क्यों ये बातों को उठा रहे हैं। जिनको देखे वो एक ही बात कर रहे हैं कि वो अभागे हैं, जिनको नोटा मिला वो नहीं आ रहे। अरे नहीं नोटा मिला नहीं आ रहे, आ रहे उनकी मर्जी है। इससे देश की भावना बढ़ रही है, इस बात को प्रचार में नहीं लेना चाहिए। आज कल परसों ये बातें खत्म हो जाए। प्रेम जी आपके सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसको निमंत्रित किया गया उसको जाना चाहिए, जिसको नहीं मिला निमंत्रण तो वो बाद में जाएगा, क्योंकि राम सबके हैं। बार बार ये बात कही जा रही है और मुझे लगता है धर्माचार्यों से बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकता है, और इसीलिए राजनीतिक पहलू पे बात ना करके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने किस तरीके से राम का इस्तेमाल किया ये जग जाहिर है, इस पर बात करना ये सीधे तौर पर राजनीति होगी। 4 दिन शेष बचे हैं, इसको लेकर उमंग है, उत्सव जैसा माहौल है, और सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं हर जगह उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। हर शहर हर गांव हर गली कूचे में राम धुन सुनाई पड़ रही है और हर कोई बस अब अयोध्या जाना चाहता है, राम मंदिर जाना चाहता है और रामलला के दर्शन करना चाहता है। बेहद महत्वपूर्ण है कि ये क्षण आज हमारे बीच आया है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार, ये 14 वर्ष का जो वनवास था श्री राम का ये भी कम था और ये 500 वर्षों से ज़्यादा का वनवास है जो अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। 4 दिन शेष बचे हैं। हाँ कृष्ण मोहन मिश्रा जी आपका रुख करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी जी, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जी, जो आप राम चर्चा करती और कराती रहती जी। बहन इस समय मेरे समझ में जो आया कि घर घर उत्सव, घर घर बधाइयां बज रही, और राम जी अयोध्या में तो आए, घर घर में उनकी प्रतिष्ठा हो गई, घर घर में वो हैं। राम प्राण हैं, जीवन हैं, जीवन जीने की कला हैं। अब इसमें राजनीतिक लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, दुनिया क्या कहती है क्या करती है, ये बहुत महत्व नहीं रखता। मुझे तो लगता है 125 करोड़ भारतीय आज अयोध्या में ही है किसी न किसी रूप में, और पूरी आस्था विश्वास और दृढ़ता के साथ अयोध्या में है। और राम जन्मभूमि पर राम जी का आना जैसे लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि अब इसके बाद और कुछ नहीं, त्रेता युग का आगमन दिखता, जैसे लगता है कि कलयुग जाने वाला त्रेता युग जो है जी, उसके आगम की आशंका नहीं, विश्वास लोगों में जम गया है। और अयोध्या जी में पहुंचने के बाद तो लगता है बापरे आज ही राम आए हैं, अभी आए हैं, दिख रहे हैं चारों तरफ, कणकण में राम जी की स्थिति समझ में आती है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा उत्सव और कुछ हो सकता है किसी के भी जीवन में, और किसी भी सनातनी के लिए इससे बड़े गौरव का और दूसरा कोई विषय हो भी नहीं सकता। बिल्कुल
गौरव का विषय और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और जाहिर सी बात है, आने वाले समय में साल में दो बार दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि ये जो तारीख है इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। क्यों कृष्ण मोहन जी? जी जी ऐसा ही होने वाला है ना जी, होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता भी लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं, जो हर एक गतिविधि की अपडेट साझा कर रहे हैं। आरपे सिंह का रुख कर लेते हैं। आरपे सिंह, फिलहाल जो अनुष्ठान है, जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति, किस तरीके से जो अनुष्ठान है वो चल रहा है, क्या वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ माहौल, क्योंकि श्री रामलला के दर्शन करने से पहले लोग हनुमानगढ़ी भी पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना भी प्रशासनिक अमले की एक बड़ी जिम्मेदारी, चुनौतीपूर्ण है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएँ और तैयारियाँ? जी 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 सोनी जी, बताना चाहेंगे जी सोनी जी बताना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4-54 व्यवस्था किए हैं एसपीजी सुरक्षा, जो पूरे घेरे में पूरी अयोध्या को लिए हुए हैं और यहाँ पे बराबर रूट मार्च कर रही है, बराबर गाड़ियों से चारों तरफ से दौड़ा कर रही है। तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए इतनी 4-54 गए, परिंदा पर नहीं मार पकता है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बुराम नगरी अयोध्या चल रही है। और यहाँ पे हर स्ट्रक्चर बांटे गए हैं, रेड जोन, अलर्ट जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में पूरी अयोध्या को इस समय घेरा बांधा हुआ है। और सुबह यहाँ पे जो है खुद मार्टिन सूबे के मुखिया अभिनाश कर रहे हैं, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था 4-54 कर दी गई है। रही बात परिसर की, तो परिसर में जो है वैदिक मंत्रों द्वारा पूरी गौरव वहां पर प्रतिष्ठा की जा रही है राम के नामों के उच्चारण के साथ, और राम संप्रदाय, रामा संप्रदाय के लोग वहां पर जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा की पूरा कार्य किया जा रहा है। आरपी सिंह, कल जिस तरीके से मूर्ति मंदिर परिसर में भ्रमण कराई गई, उसके बाद कई अहम सवाल निकल कर भी सामने आ रहे हैं कि जो मूर्ति टाट में थी, हाँ, उसी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, हालांकि इस बात को लेकर हम धर्माचार्यों से भी चर्चा करेंगे, उसको लेकर एक लंबी लड़ाई, और आज जब वो पल आया तो उस मूर्ति को विराजमान नहीं किया जा रहा है। योगीराज द्वारा बनाई गई जो मूर्ति है, अरुण योगीराज द्वारा उनके बनाई हुई मूर्ति स्थापित बाल स्वरूप में की जाएगी, तो इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं या किस तरीके के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं? कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन जो है गाना हो रेल मूड में था, उसने जो है उस तरह की सुविधाएं नहीं दी, चाहे मंदिर परिसर में लेकर के चाहे उसको लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसको सुरक्षा व्यवस्था जो है 4-54 रखनी थी, इसीलिए उसको इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए जो है जो पहले की मूर्ति थी उसी को प्रथम तरीके से जो है उसका परिसर भ्रमण कराया गया, और जो है जो के मोहन मिश्रा ने उसका पूरा भ्रमण कराया उसके लिए। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मूर्ति भारी होने के कारण ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है, जो उसकी प्रक्रिया यही थी कि जो प्रापन व्यवस्था ने उसको अनुमति नहीं दी, जो एसपीजी सुरक्षा नहीं। अजय कुमार, एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अजय जी, सभी को नमस्कार जी। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, जो 29 जो पार्टियां आए विपक्ष में, और अपने मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहूंगा, जब ये हिंदुओं के नहीं हुए, राम मंदिर नहीं आ रहे, तो ये मुसलमान भाइयों के कैसे हो सकते हैं? जब अपने हिंदुओं के नहीं है ये विपक्ष की पार्टियां, तो मुसलमान की कैसे हो जाएंगी? खाली वोटों के लिए मुसलमान भाइयों से जुड़े हुए हैं और इनको डराते हैं, तुम्हें बीजेपी जो है क्या है वो कर देगी, फलाना कर देगी। और यह बात आप मुसलमान भाइयों से, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों को समझाइए आप, जब ये हिंदुओं के नहीं है ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अपना जो स्वार्थ होता है राजनीतिक पार्टियों का, हर एक फैसले के पीछे छिपा होता है। और अगर कांग्रेस ने इस बात को लेकर मना किया या ये कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, इसको लेकर कहा कि इस इवेंट में हम नहीं जाएंगे, तो इसके पीछे भी उनका अपना स्वार्थ है, वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के खातिर जाहिर सी बात है इस तरीके का फैसला निकलकर, हालांकि कई फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से जो भी फैसला लेती हैं वो ठीक है, और आने वाले समय में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हमारे साथ धर्माचार्य लगातार जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं धर्माचार्य आशुतोष महाराज जी का। आशुतोष जी, राजनीति एक तरफ और राम के प्रति आमजन की आस्था एक तरफ, जन जन में राम, कण कण में राम,
और इसी तरीके का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज के युवा का अगर खासतौर पर जिक्र करें, जो युवा है वो कैसे राम के प्रति आस्था को अपने जीवन में उतारेगा, या राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे थे, रामायण में पूरा विवरण दिया गया है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या वाकई कलयुग में त्रेता युग बन पाएगा, राम राज्य स्थापित हो पाएगा? देखिए, राम राज्य की स्थापना जो है, राम राज्य की स्थापना क्या है, रामचरितमानस में चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, प्रात काल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नाव ही माथा, यानी प्रातः काल उठे तो माता पिता का चरण वंदन करें। ये हमें रामचरितमानस सिखाती है, रामायण सिखाती है। तो आज बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी जो है, वो रामचरितमानस से दूर हो जा रही थी। सनातन धर्म में आने के लिए पहले राम को समझने के लिए रामचरितमानस समझना जरूरी होगा। जब रामचरितमानस समझेंगे तब उनको माता पिता का आदर करना सीखेंगे। और देखिए, जिस राज्य में प्रजा सुखी हो, भयभीत ना हो और निर्भय हो, उसी में राम राज्य की स्थापना होने का आगाज हो जाता है। क्योंकि जहां भय रहित हो और कोई भूखा ना हो, हर राज्य में सुखी हो, कोई भूखा ना सोए, वही राम राज्य है। राम राज्य की स्थापना के लिए आज अभी राम राज्य तो राम मंदिर बनने से ही नहीं आएगा, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद राम राज्य अपनी तरफ अग्रसर हो जाएगा, यानी राम राज्य आना संभवता हो जाएगा। अयोध्या में तो राम राज्य आ चुका है, देखना हो तो अयोध्या वासी से मिलिए जरूर, क्योंकि हम अयोध्या में ही बैठे हुए हैं, आपके डिबेट के कारण हमको आना पड़ा यहाँ पे। और वस्तुतः राम राज्य देखना हो तो अयोध्या में आ जाइए। अयोध्या में कोई ना भय है, निर्भय होकर के लोग रह रहे हैं, ना तो कोई भूखा सोता है। अगर कोई भूखा भी हो जाए, जगह जगह पर भंडारा चलता रहता है, प्रसाद वितरण होता रहता है, तो ना तो कोई भय है ना कोई भूखा है। इसलिए राम राज्य जो है, राम राज्य में कोई प्रजा एक दूसरे को स्पर्धा नहीं करती है, एक समन्वय होकर के रहते हैं, यानी एक दूसरे को मिलकर के रहते हैं। तो ये राम राज्य है। राम राज्य की स्थापना के लिए राम का जीवन उतारना बहुत जरूरी होगा। युवा पीढ़ी यदि चाहती है तो ये देखिए, राम जी का मंदिर बन रहा है, इससे युवा पीढ़ी जो है राम राज्य की तरफ अग्रसर हो रही है, 100% अग्रसर हो रही है। उसमें किंतु परंतु सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज किसी भी घर में ये बात अलग है कि युवा पीढ़ी कैसे भी राम का इस्तेमाल कर रही है। आक्रोश में भी अगर कोई ऐसा नजारा या कोई ऐसी गतिविधि सामने आई या झगड़ा भी करना है तो जय श्री राम बड़े आक्रोश में बोलकर आगे बढ़ जाते हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो ये भी तरीका है, समझने की जरूरत है। इसको अभी थोड़ा सा बताइएगा। एक दर्शक किसी बीच जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाला जो कार्यक्रम जो चल रहा है अयोध्या में, इसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं, ये इनकी सांस फूलने लगी है, बहुत घबरा गई है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हमको नाकार न दे, हिंदू राष्ट्र कहीं घोषित न हो जाए, हिंदू लोग भी हमको नाकार दें। ऐसे लोगों को तो राम जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे को तो अयोध्या प्रक्रमण के अंदर जाने से मना कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। जो हमारे प्रभु राम जी आ रहे हैं, साफ सुथरी छपते हैं, ऐसे पर जो टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को टिप्पणी करना गलत है, ऐसे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, प्रभु सबके राम है। बिल्कुल, नाराजगी आम जनमानस में भी देखने को मिल रही है जिस तरीके से विपक्ष ने निमंत्रण को ठुकराया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों की अपनी राय है व्यक्तिगत। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, इसी बीच स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं गिरीश जी। जय जय बंसी वाले भगवान की। आज मैं अत्यंत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ जी। एक दिन जब क्रोध किया था मिस्टर तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बातों को सुनकर, जो भगवान का उपहास कर रहे थे और छुप छुप कर रहे थे अपने साथियों के बीच में, वहां सुनकर मैं क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर के मैंने अकार दुख किया 24 घंटे। जब अकार दुख किया, बंसी वाले का दर्शन हुआ, उन्होंने जाकर 15 दिन के अंदर वहां पर भगवान के गिरवा करके और फट्टा वाले भगवान बना दिए, और आकर बताया फट्टा वाले भगवान बना दिए, पुजारी लगा दिया, अब आगे चलकर ये तभी मंदिर बनेगा जब गुंडवा हट गई है।
अब गुंडवा हट गए, मंदिर बन गया। अब जो गुंडों की सक्रियता है, अब भगवान प्रकट हो चुके हैं। अब वो एक एक गुंडे को जिन्होंने उन्हें 30 साल तक फट्टा में रखा, मजबूर किया, जिन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान को बदनाम किया, अब एक एक आदमी को दंड देंगे। और देशवासियों को आज हम यह संदेश देना चाहते हैं, जो बंसीवाले का अंतिम संदेश था कि अपने अपने घरों में रामचरितमानस का वो पाठ करें, भगवान का श्रृंगार करें, अपने अपने घरों में कहीं ना निकल के जाएं। और ये संकुट लगा में राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो है, आपके दुख और भय जीवन के दूर हो जाए, ये हमारा आशीर्वाद इस देश के लोगों को है। और नेताओं को कठोर दंड भगवान दे, क्योंकि इस देश को मजबूत। शुक्रिया गिरीश जी जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। हमारे साथ फिलहाल संजना चौरसिया भी जुड़ चुकी हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अयोध्या का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ी हुई हैं। संजना का रुख करेंगे। संजना, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ दृश्य नजर आ रहा है? श्रद्धालुओं का उत्साह या तैयारियों का जिक्र करें, क्योंकि आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है और सरयू तट में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जी बिल्कुल, बता दें आज रामलला के पूजन का जो है तीसरा दिन है। और अगर हम यहाँ पर बात कर ले भक्तों की, तो भीड़ का हम बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिस भाव से लोग दूर दूर से आ रहे हैं 22 तारीख के इंतजार के लिए, उसे साफ जाहिर होता है कि जो प्रेम है रामलला के लिए वो तो दिख ही रहा है और रोज ही दिखता है। वो पूजन का दूसरा दिन हो या चाहे तीसरा दिन हो, वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम घाटों की बात कर ले, उसे भी बहुत मनोहर रूप से जो है सजाया गया है, क्योंकि शाम की जो आरती है, भव्य आरती होती है, जिसका जो लोग हैं सभी लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पर बैठ करके। और जो दृश्य है वो बहुत मनमोहन है, देखने लायक है, क्योंकि काफी दूर दूर से जो है लोग आ रहे हैं। और अगर हम बात कर ले प्रेम की, तो पूरा अयोध्या जो है वो राममय हो चुका है। यहाँ आप कहीं भी आवाजें सुनेंगे तो सिर्फ राम और राम नाम। बिल्कुल संजना, इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद हैं, घंटा और घड़ियालों की यहाँ पर आवाज़ भी सुनाई दे रही है, जैसे सरयू तट का किनारा हो या इस तरीके की जो आपका दृश्य नज़र आ रहा है जहाँ पर आप मौजूद हैं, और कुछ लोगों की भीड़, क्योंकि लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी यानी कि अब 4 दिन शेष बचे हैं, और इसको लेकर जाहिर सी बात है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर तैयारियाँ भी चरम पर हैं। 4 दिन रह गए हैं और बस अब गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है मूर्ति। तो साधु संतों का जो उत्साह है, साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका उत्साह कैसा नजर आ रहा है? लोगों से बातचीत की होगी? चलिए, मुझे लग रहा है संजना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजना, अगर आप सुन पा रहे हो तो जी, वहां का क्या कुछ माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? जी देखिए, यहाँ का जो पूरा माहौल है वो पूरा ही राममय है। दूर दूर तक आप जहाँ से शुरू करेंगे सिर्फ वहां से अजय श्री राम का नाम है। और बहुत मनोहक तरीके से जो है पूरा अयोध्या सजाया गया है। हम गली चौराहे मतलब कण कण में राम है, ये वाला जो दृश्य है पूरा अयोध्या में दिखाई दे रहा है। मतलब राम के प्रति आस्था संजोई जो लोग पहुंच रहे हैं राम मंदिर रामलला के दर्शन करने के लिए, ठंड का असर इन राम भक्तों पर नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरे बराबर घाट है और तमाम लोग जो है उस घाट में डुबकी लगा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो राम के आगे जो प्यार है वो सर्दी भी बेकार है, ऐसा हम सच में देख सकते हैं। बिल्कुल, राम के प्रति आस्था और एक तरफ कड़ाके की ठंड, और इस कड़ाके की ठंड में जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, ठंड का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है उन्हें, क्योंकि राम के प्रति आस्था में डूबे हुए हैं। वापस से रुक करेंगे संजना आपका। हमारे साथ और भी धर्माचार्य इस वक्त मौजूद हैं, रुक कर लेते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा और साथ ही श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। श्याम सुंदर जी का रुक कर लेते हैं। श्याम सुंदर जी, एक अहम सवाल अभी आजकल जो हर एक जन के मन में एक सवाल उठ रहा है कि जो मूर्ति इतने सालों से टाट
में इंतजार कर रही थी इस बात के लिए कि हम ठाट के साथ सिंहासन में विराजमान होंगे, जिस मूर्ति का मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। और अब उस मूर्ति को स्थापित ना करके बाल स्वरूप की मूर्ति जो बनाई गई है उसे स्थापित किया जाएगा, तो उस पुरानी मूर्ति का क्या होगा? ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है। अनम्यूट करिएगा श्याम सुंदर जी। जी हाँ, सुन पा रहे? जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। पुराने मूर्ति तो रहेंगी ही, लेकिन जो नए मूर्ति बनाया गया है उन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होगा। जो पुराने रामलला की मूर्ति है बाल स्वरूप, वह मूर्ति को कहीं अलग नहीं रखा जाएगा, वह भी वहीं पर रखा जाएगा। लेकिन जो नया मूर्ति बना है उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराया जाएगा और उसमें वेद मंत्रों के द्वारा जो है वह प्राण प्रतिष्ठित करके गर्भगृह में वहां पर रखा जाएगा। पुराने मूर्ति को भी वहां पर साथ रखा जाएगा, इस विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यह ट्रस्ट का विषय है और वह ट्रस्ट अपने तरीके से जो है बहुत अच्छा आयोजन करके उन मूर्तियों को लेकर, लेकिन आपत्ति जताई जा रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल। यह बहुत सोचने की विषय नहीं, वह ट्रस्ट अपने माध्यम से वह सब कार्य को संपादित करेगा। और जो पुराने मूर्ति है उसको कहीं इधर उधर नहीं रखना है, वह भी उन्हीं मूर्तियों के साथ वहां पर रखा जाएगा। और जो भी राम भक्त देश विदेश से आएंगे सभी लोग इन रामलला के मूर्तियों का दर्शन करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। और यह जो आस्था जन जन के प्रति उमड़ा है या वह सब देखने को हमको आपको मिल रहा है कि सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आने के लिए तो होड़ मची है, देश विदेशों तक की होड़ मची है। और उन लोगों का एक करारा जवाब है जिन लोगों ने राम और रामचरितमानस का विरोध किया, उन लोगों के लिए तो एक करारा जवाब यह सनातन धर्मावलंबी लोग दे रहे हैं। एक हम लोग कहा करते हैं कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। वह दृश्य हमको आपको देखने को मिल रहा है। अयोध्या जी में मैं जानकी घाट बड़ा स्थान में हूँ, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संत डॉक्टर राघवाचार्य जी का प्रवचन चल रहा है, वाल्मीकि रामायण कथा। साथ में यहाँ पर रामचरितमानस नवाब पारायण भी चल रहा है और 51 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है और अन्य क्षेत्र भी चलाया जा रहा है। अन्य क्षेत्र तो आज ही नहीं, प्रतिष्ठा को लेकर ये सारे कार्यक्रम, तो हर मठ मंदिरों में हजारों हजार लोग प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं और अन्य क्षेत्र चलता रहता है। यहाँ पर जगह जगह यज्ञ कथा प्रवचन, जैसे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, नेपाली बाबा महाकुंभ बसाए हुए हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन इन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जगह जगह हो रहा है। यह सब अयोध्या नगरी है, वहां पर तो स्वाभाविक है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन निर्धारित किया जाए, लेकिन यहां पर तो पूरे देश में इस वक्त जो है पूरा राममय माहौल और जगह जगह हर छोटे बड़े मंदिरों में आयोजन किए गए हैं, भंडारे के आयोजन, अगर शोभा यात्रा का जिक्र करें, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और हर कोई इस बात से खुश होता नजर आ रहा है कि अब राम आने वाले हैं। तो स्वागत तो भाई, जब कोई मेहमान आता है तो जाहिर सी बात है स्वागत तो बनता है और स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, अजय जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। स्वामी जी चौहान जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी, जो ये संविधान जो है हिंदुओं पे लागू होता है, जैसे कि शिवपाल यादव ने कहा हमने संविधान की रक्षा की है, क्या हिंदुओं पे संविधान की रक्षा की है इन्होंने जी? और जो इन्होंने अपने आदमी जो छोड़े जो है क्या, जो कानून के अंदर आते थे इन्होंने संविधान बदल करके नहीं उनको छोड़ दिया, जो इनके अपने आदमी बदमाश थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, क्या वो संविधान का धर्म निभाया इन्होंने जी? ये ठीक तो बात अजय जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इन सारी घटनाओं को लेकर, उस कालखंड को लेकर तरह तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आई। अभी पिछले दिनों भी बयान निकलकर सामने आया था, कार सेवकों को अराजक तत्व करार दिया और तरह तरह की बयानबाजी सामने आई। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जब किसी आस्था से जुड़े हुए टॉपिक पर कोई बयानबाजी करती हैं तो वो वाकई
कहीं ना कहीं लोगों को नाराज करता है और संत समाज भी इस बात से आहत है जिस तरीके की बातें राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चरम पर है, दूसरी तरफ राम पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। कई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ये खास कार्यक्रम है, ये एक घंटे का जो कार्यक्रम है, सिर्फ रघुनाथ पर संवाद, और हम रघुनाथ पर संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार आरपी सिंह संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, संजना चौरसिया भी जुड़ी हुई हैं। एक बार संजना का रुख कर लेते हैं। संजना, अयोध्या नगरी का हर एक कोना राम की कहानी कहता है। अयोध्या वासियों से आपने बातचीत की होगी इस दौरान, क्या कुछ निकल कर सामने आ पाया, संत समाज कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ पाई? और कहते हैं कि यहाँ पर राम रसोई भी जगह जगह आयोजित की गई है। संजना अनम्यूट करें। अन्यूट करें जी, कंटिन्यू। आपका जी सुन पा रहे हैं संजना? जी जी, मैं बिल्कुल, देखिए बता दूं आपको, ये सही बात है कि जो पूरा अयोध्या है वो राममय हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ बातचीत की ग्राउंड लेवल पर, तो बातचीत करने के बाद साफ जाहिर होता है पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में मानना है कि जमीन और आसमान का अंतर है। इससे पहले हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, तो सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा को लेकर के बातचीत की, साफ सफाई को लेकर के बातचीत की, और जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के ये बड़ा मुद्दा रहा अयोध्या वासियों का, तो उनको कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने की तो ढेरों खुशियां हैं, लेकिन अयोध्या का जो बदलाव है वो भी उनके लिए दोगुना खुशी कर देता है। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अयोध्या का विस्तार होने जा रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा, और इससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है इस विस्तार को। एक दर्शक ऐसे भी जुड़ चुके हैं हरियाणा से, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हरियाणा ब्रज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी चौहान जी नमस्कार, मैं हरियाणा से नहीं, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, लुधियाना सिटी से। बिल्कुल, माफी चाहेंगे जी। सबसे पहले सभी भारतवासियों को बधाई कि भगवान राम अपने सीता लक्ष्मण जी के साथ और हनुमान जी के साथ गर्भगृह में विराजे जी। और दूसरा, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ अपने संत समाज को कि वो इस शुभ अवसर को खराब ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दे, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे कुछ संत समाज हो, विवादित जो है टिप्पणियां सामने आ रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशुतोष जी महाराज आपका भी, और श्याम सुंदर जी आपका भी, साथ ही कृष्ण मोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम धुन में सब मशगूल है। आरपी सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और दूसरी तरफ भक्त हनुमान का रथ किष्किंधा से चलकर अयोध्या धाम पहुंचा है। ऐसा हो सकता है कि राम अयोध्या आए तो हनुमान साथ ना आए, क्योंकि हनुमान को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। बता दें कि ये रथ पूरे सालों से पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। अयोध्या आने से पहले ये विशेष रथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से होकर आया है। इस रथ के साथ चल रहे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बताया है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वैसा ही भव्य मंदिर किष्किंधा में बनने की तैयारी हो रही है। इस समय हम सरयू घाट पे हरिपौड़ी के पास में खड़े हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रथ किष्किंधा से आया हुआ है, जहां प्रभु हनुमान जी का जन्म स्थल कहा जाता है। वो मंदिर का स्वरूप एक रथ के रूप में बना के एक यहां पे भव्य मंदिर की तरह यहां पे सरयू घाट पे लाया गया है, लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। हमारे साथ जो वहाँ के महंत हैं
श्री गोविंदा नंदा सरस्वती जी बात करने के लिए हैं। महाराज जी, आप सरयू घाट पे हैं, हर की पौड़ी जो यहाँ पे कहा जाता है, अयोध्या का जो बदलाव जो स्वरूप है, क्योंकि आप उनके जो भगवान राम हैं उनके परम भक्त हनुमान जी के जो जन्मस्थली तपोवन भूमि से आए हैं, तो यहाँ पे आके आपको अयोध्या, इसके पहले भी आए होंगे, तो अब की अयोध्या और तब की अयोध्या में कुछ तो फर्क आपको दिखा होगा। हाँ, यदि आप सच्चा हमसे पूछा तो हमको बोलना ही पड़ता है। उस समय जो रामलला की जो गर्भगृह है इतना ही छोटा है, अब देखिए कितना बढ़िया विशाल मंदिर बना, ये भव्य तरीका से है, ये प्रशंसनीय बात है। और हनुमत जन्म किष्किंधा से भी हमारा एक सुझाव है, पुराने वाले अयोध्या का जो चेहरा है अब वो नहीं दिख रहे। इससे पहले भगवान राम के भक्त हनुमान के प्रतीक स्वरूप इस रथ को अयोध्या लाया गया है। इस रथ पर किष्किंधा की शिला उकेरी गई है। रथ के जरिए राम भक्ति का प्रचार किया जा रहा है। रथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई है। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती अयोध्या में रहेंगे। रथ का स्वरूप पूरे किष्किंधा मंदिर की तरह से ही दिखाई दे रहा है। उनसे बातचीत कर अयोध्या के स्वरूप को जाना गया है और बदलाव की आगे की स्थिति भी उन्होंने बयां की है। इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी को धर्म रक्षक भी बताया है। तो संत समाज में बेहद खुशी इस बात को लेकर और हर शख्स बेहद खुश है। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज कर तैयार है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। सुंदर प्रवेश द्वार, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, सड़क पर चमचमाते सूर्य स्तंभ, म्यूरल पेंटिंग, निर्मल सरयू, साफ सुथरे आकर्षक तट और राम की पैड़ी का सुंदरीकरण, सब कुछ यहाँ आने वालों को आकर्षित करने के लिए काफी है। तो चलिए जानते हैं कि अयोध्या में सरयू घाट पर एक सेल्फी पॉइंट लोगों के लिए क्यों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम 500 साल के वनवास के बाद अब अपने नए घर में विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी को प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सरकार ने खूब ख्याल रखा है। बता दें, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ बना सेल्फी पॉइंट आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार है। अयोध्या में सरयू तट पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का स्वरूप है। वही दाहिने तरफ पीएम मोदी और बाईं तरफ सीएम योगी की तस्वीर है। सरयू घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु दोनों नेताओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी सरकार की तरफ से और अयोध्या प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, आप देखिए सरयू घाट पर यूपी सरकार की तरफ से एक सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है तस्वीर लगाई गई है। और आप बीच में देखेंगे जो राम मंदिर जिस तरह से स्वरूप होगा, उसी तरह से एक यहाँ पे एक वो स्टैंड खड़ा किया गया है, जिससे लोग आए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो के साथ सेल्फी ले सकते हैं। और वहीं दाहिने तरफ आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी साथ हो अपनी सेल्फी ले सकते हैं, जिसमें सेल्फी लेने वालों की होड़ सी मची हुई है। अयोध्या नगरी को हर श्रद्धालु अपने दिल और आंखों में बसाना चाहता है, जिसके लिए सेल्फी इसका माध्यम बन रही है। यादगार लम्हों को सहेज कर अयोध्या से वापस लौटने वाले श्रद्धालु सेल्फी पॉइंट जाकर अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए अयोध्या से कौशलेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है, जिस तरीके से तैयारियां और सजावट की गई है, जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, यानी कि जो भी जाएगा वो अपने साथ यादें लेकर आएगा, और इसी तरीके से जो है तैयारियां की गई हैं। इसी के साथ रघुनाथ पर संवाद में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।